हमारे बीच कोई तीसरा आ गया। जी हाँ, यही तो कहा था उसने, और फिर दो लोगों की जान ले ली। एमपी का दौड़ता भागता शहर इंदौर, जहां स्वामीनारायण मंदिर में एक लड़की और एक लड़का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दर्शन कर दोनों मंदिर के अहाते में बातचीत करने लगे कि तभी एक और लड़का आया और तीनों में कुछ बात और बहस हुई और फिर धाएं धाएं। 4 अप्रैल 2024 गुरुवार की दोपहर स्नेहा अपने रिश्ते के मौसेरे भाई दीपक के साथ स्वामी नारायण मंदिर में बैठी थी। स्नेहा की उम्र 22 साल थी। तभी स्नेहा से एक तरफा प्यार करने वाला अभिषेक यादव वहां पर पहुंचा और स्नेहा और दीपक को साथ देखकर बौखला गया। थोड़ी बहस और झगड़े के बाद उसने अपने पास रखी पिस्तौल निकालकर गोलियां स्नेहा और दीपक के सीने में उतार दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से स्नेहा और दीपक जाट की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद अभिषेक तुरंत वहां से भागकर पास ही के ओरिएंटल कॉलेज कैंपस पहुंचा, जहां उसने सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। सिक्योरिटी गार्ड जब अभिषेक के लिए पानी लेने गया तो अभिषेक ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची इंदौर की भवरकुआ थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। तीनों के मोबाइल बरामद कर जांच के लिए भेजे गए। फौरी तौर पर मालूम चला कि स्नेहा जाट अपने मौसेरे भाई के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी, लेकिन अभिषेक स्नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मंदिर में इन दोनों को साथ देखकर वो गुस्से से पागल हो गया और उसने पिस्तौल निकालकर मंदिर के अंदर ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये भी मालूम चला है कि स्नेहा के साथ बैठा हुआ दीपक, जो उसका मौसेरा भाई था, मंदिर के समीप बने ओरिएंटल कॉलेज में ही पढ़ता था। वहीं मृतक आरोपी अभिषेक सीहोर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस भी मानती है कि पहली नजर में ये मामला लव ट्रायंगल का लग रहा है। दोहरे हत्याकांड में इस्तेमाल देशी पिस्तौल घटना स्थल से बरामद कर ली गई है। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी से पहले तीनों ने स्वामीनारायण मंदिर में करीब आधे घंटे तक बातचीत की, फिर अचानक अभिषेक यादव ने स्नेहा और दीपक पर फायर कर दिया, बाद में अपने आप को भी खत्म कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले अभिषेक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आखिरी मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, हमारे बीच कोई तीसरा आ गया। क्या ये एक तरफा प्यार का मामला था या प्यार में धोखे का, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस लव ट्राइंगल के तीनों किरदार स्नेहा, दीपक और अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। अभिषेक ने ये तीनों लोग मंदिर में थोड़ी देर तक बात करते रहे, फिर अभिषेक ने दोनों को, स्नेहा को और दीपक को, गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसके बाद अभिषेक भी भागता हुआ ओरिएंटल कॉलेज गया, वहां पर उसने अपने आप को गोली मार ली, उसने भी सुसाइड कर लिया है, तो उसकी भी मृत्यु होगी। फिलहाल तीन लोग की डेथ हुई है इसमें, जिसमें दो लोगों को उसने मारा है, अभिषेक यादव ने, और जबकि अभिषेक ने खुद सुसाइड कर लिया है पिस्टल मार के। सर, अभिषेक और स्नेहा के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग? हाँ, अभी इस तरह का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। प्रारंभिक पूछताछ में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इसमें चूंकि उनके परिजनों से और उनके रिश्तेदारों से और पूछताछ करने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी, बाकी जो 35 तरफी भी है उनसे भी पूछताछ करने पर स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी।